सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि अब एग्जाम आने वाले हैं और पाइथन पर अगर आपको कोई डाउट है तो उसी को लेकर के, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में है, अगर आपको लूप के कॉन्सेप्ट में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए यहां पर मैं लेके आ गया हूं एक वीडियो जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको लूप का आउटपुट फाइंड आउट करना है, प्रेडिक्ट करना है कि आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को। सबसे पहले पाइथन की आईडीई को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहां से मैं पाइथन की आईडीई ओपन कर लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो भी आपको दिखाता हूं। ये पाइथन की आईडीई ओपन हो गई है, लेकिन इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। क्वेश्चन पे आते हैं पहले। तो ये आ गए हम क्वेश्चन पर। तो यहां पर आपको ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये लूप रिलेटेड क्वेश्चन है और दो लूप की बात करेंगे। पहला जो लूप है वो वाइल लूप है और जो दूसरा लूप है वो फॉर लूप है। तो दो लूप्स की बात करेंगे और कैसे कैसे आउटपुट प्रेडिक्ट करेंगे उसके भी बारे में बात करने वाले हैं हमारे साथ। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर करना क्या है, काउंट नाम से एक हमने बनाया है और उसके अंदर जीरो स्टोर किया है, ठीक है। और यहां पर वाइल लूप लगाया है और वाइल लूप के अंदर काउंट इज, अब देखिए ये लिखा है काउंट इज लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब क्या होता है, 9 होता है। तो लेस देन 10 का मतलब 9 हुआ, तो यानी कि 0 1 3 4 5 6 7 8 9 तक ये चलेगा, ठीक है। लेस देन 10 है, लेस देन काउंट इज लेस देन 10 है, काउंट में जीरो इनिशियलाइज है। तो लेस देन 10 का मतलब 9 टाइम चलेगा और यहां पर हेलो नाम का वर्ड प्रिंट होगा। यहां पर जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल हेलो दिया गया है। तो यहां पर 9 टाइम, अब देखिए जीरो से स्टार्ट करा गया है, तो इसको मैं चला करके भी दिखाऊंगा अभी आपको। तो ये देखिए जीरो से लेकर 9 तक आप काउंट कर सकते हैं कितना हुआ। तो आइए चलिए इसको एक बार प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो चलिए आइए यहाँ पे इसको प्रोग्राम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, काउंट में जीरो स्टोर है पहले, तो यहाँ पर हम भी वही करेंगे सेम प्रोग्राम। तो यहाँ लिखा काउंट count काउंट इज इक्वल टू जीरो, ये कर दिया। अब एंटर करके नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आते हैं पर ये हेलो जो है डबल एंटेड कॉमा या सिंगल एंटेड कॉमा के अंदर आपको रखना है, ये बात भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर अब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात करनी है। तो आप यहां पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवा लीजिए सिंपली, जैसे कि इसमें दिया गया प्रोग्राम में आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इंक्रीमेंट करवाने वाले हैं, तो यहां पर चलिए इंक्रीमेंट करवा लेते हैं। यहां से देखा जाए तो ये देखिए यहां पर 1 से लेके 10 तक, यानी जीरो से स्टार्ट किया, तो 0 1 2 3 9 तक चलेगा कुल मिला के, क्योंकि यहां पर हमने 9 दिया है, लेस देन 10 किया यानी 9 तक, लेकिन यहां पे काउंट में जीरो स्टोर है। तो 9 तक चलाने के बाद क्या आउटपुट आएगा, 9 तक चलाने के बाद 10 बार हेलो प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। तो ये आपका आउटपुट है, इस तरीके से आप आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है उसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक्स में 10 स्टोर है और फिर वाई में जीरो, फिर एक्स इज ग्रेटर देन वाई रहेगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और फिर एक्स वाई को प्रिंट करवा दिया गया है और एक्स में डिक्रीमेंट करवाया गया। एक्स में कितना है, 10 है, तो 10 बनेगा 9 8 7 6, इस तरीके से क्या होगा, वाई प्लस 1 हो रहा है, ठीक है, वाई प्लस 1 हो रहा है, यानी कि वाई प्लस 1 पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके चलेगा। तो एक बार इसका आउटपुट भी देखते हैं, एक बार इस प्रोग्राम को लिखते हैं और आइए समझते हैं, जो मैंने बताया बिल्कुल उसी के मुताबिक आउटपुट भी आएगा। तो ये प्रोग्राम मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं, एक बार इसको चलाता हूँ, सेव भी कर चुका हूँ .py लगा करके, इसको चलाता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 9 8 7 6 इस तरीके से आ रहा है और फिर यहाँ पे 0 to 4 आ रहा है। 0 to 4 क्यों आ रहा है, उसको भी देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, और यहाँ पर वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 दिया है। तो y प्लस 1, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यहां पर दिया गया है x इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 1 का मतलब हुआ 9 8, ठीक है, फिर क्या आएगा, x माइनस 1 होगा तो क्या आएगा, 9 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, ठीक है। जैसा कि आपको आउटपुट में भी दिख ही रहा होगा, यहाँ पे आउटपुट एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए ये आउटपुट है हमारा। तो यहां पर देखिए ये जो है 6 तक ही ये डिक्रीमेंट हो रहा है और फिर जो है यहां पर y इज इक्वल टू वाई प्लस 1 है, यानी कि पहले तो 0 रहा, y में क्या इनिशियलाइज है, 0, फिर यहां पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो यहां पर देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरीके का आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है,